उनको कुर्सी बचाने के लिए जो जो पार्टी उनको लिए कुर्सी बचाते हैं उनके लिए बजट है। ऐसा है नायडू साहब से और नीतीश साहब से डरा हुआ बजट है, बाकी कुछ नहीं है। यानी वो 2 करोड़ के झूठ को डबल कर दिया, डबल इंजन की सरकार होती है, ऐसे डबल झूठ की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार। मैं समझती हूँ किचन का ध्यान नहीं रखा गया है, क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई स्टेप लेना ही नहीं चाह रही है। अरे ये तो कुर्सी बचाओ बजट है, उनको कुर्सी बचाने के लिए जो जो पार्टी उनको लिए कुर्सी बचाते हैं उनके लिए बजट है। एनडीए वाला जो है उसका साथ नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश का, उनको उनको सेव करने के लिए, उनको पास में रखने के लिए इसका बजट है। ये इंडिया का बजट नहीं है, देश के लिए बजट नहीं है। उन्होंने बंगाल का तो कुछ ही नहीं दिया है, बंगाली को वो लोग देखने नहीं सकता है, बंगाल को वो लोग देखने नहीं सकता है। दे कांट टॉलरेट बंगालीज, दे कांट टॉलरेट बंगाल पीपल, वो साफ हो जाएगा बीजेपी बंगाल से। ऐसा है नायडू साहब से और नीतीश साहब से डरा हुआ बजट है, बाकी कुछ नहीं है, ना देश के लिए ना नौजवान के लिए। चिकित्सा खाली कर दिया, कोई मतलब ऐसा बजट है जिसके अंदर पूरा डर परिलक्षित हो रहा है। सर इसके अलावा एक अपरेंट 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप की बात की गई है। जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया कि ये अप्रेंटिसशिप की बात तो राहुल गांधी कर ही रहे थे न्याय यात्रा के दौरान, उसको कैसे देखते हैं? देखिए अपना विजन इनका कुछ नहीं है, अपना विजन कुछ नहीं है, अब ये उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे तो देखा जाएगा। बोलने को तो बहुत कुछ बोला जाता है। मोदी सरकार का जो पुरानी हिस्ट्री ये बताती है कि रोजगार 2 करोड़ देके सत्ता में आई थी, दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार देश हो गया, 4 करोड़ रोजगार, यानी वो 2 करोड़ के झूठ को डबल कर दिया, डबल इंजन की सरकार होती है, ऐसे डबल झूठ की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार। दी गई है बिहार को अलग से बजट देने की बात, अभी पूरा बजट आएगा जब प्रतिक्रिया देंगे, पर डबल झूठ की ये सरकार, डबल बजट को लेकर डबल झूठ बोलने वाली है मोदी सरकार। कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन मिशन इस मौजूदा सरकार में आप चीजें तो लेके आते हैं लेकिन आप उनको परस्यू नहीं करते हैं, विच इज वेरी सैड। तो आपको लग रहा है कि महिलाओं के हिसाब से इस बजट में जो प्रोविजंस होने चाहिए थे, एटलीस्ट न्यूट्रिशन होना चाहिए, उनकी सेफ्टी को लेके होना चाहिए, महिलाओं पे कुछ भी नहीं है। घर का किचन का ध्यान रखा गया है मैम? मैं समझती हूँ किचन का ध्यान नहीं रखा गया है, क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई स्टेप लेना ही नहीं चाह रही है। और जहां तक हम देखेंगे तो जो परचेजिंग पावर है जो रूरल एरियाज में है वो लगातार घटती जा रही है, इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है।